महर्षि का ये उनका है कि जब तक यत किंचित हमारे अस्तित्व का, हमारे अहंकार की प्रवृत्ति और इन प्रवृत्तियों के सहारे जो देश काल खड़ा है उसका निराकरण नहीं होता, तब तक हमारे अनुसंधान का जो विषय है वो गुरु तत्व या वृंदावन नहीं हो पाता है। इसलिए भावना की नित्यता में जाना है। मैं उनका जो संबोधन है ये ब्रज अकेदमी वृंदावन की ओर से 12 जुलाई 1995 का गुरु पूर्णिमा के समय का है। जी 12 जुलाई 1995 की गुरु पूर्णिमा का कृपा प्रसाद का स्वरूप है ये। इसका पहले भी प्रकारांतर से उल्लेख हुआ है। उस दिन क्या होता है कि सभी शिष्य रूपी जो चेतनाएं हैं उन उनमें गुरु तत्व का प्रवेश कराने के लिए जिस प्रकार की भावभूमि का स्थापना की कृपा होती है तो गुरु उसी के लिए समर्पित रहते हैं उस दिन, क्योंकि वो व्यास जी महाराज की ही संचेतना से अपने को निमित्त बनाकर और शिष्य में गुरु का जो संबंध बोध है, दिव्य संबंध बोध है, उसको जागृत कराने के लिए होता है। तो इसलिए ये जो भी प्रवाह है और जो हम वैदिक गणित के माध्यम से भी उसी बात के लिए आगे बढ़ते हैं कि हमारी वो तैयारी और हमारी वो जो उसके लिए तत्परता है और हमारे जो लक्ष्य की दृढ़ता है वो किस प्रकार से हो, ताकि हम इस प्रकार का एक निश्चय ले सके कि ये हमारा वास्तविक लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए ही ये सब साधन सामग्री है। और ये साधन सामग्री का कोई दूसरा उपयोग नहीं है परंतु इस विश्वास के साथ कि साधन में ही वो साध्य है। तो इसलिए उससे जुड़ा हुआ सब का सब जो कुछ भी साधन है, चाहे वो ब्रज की लीला का स्वरूप है, चाहे शिक्षा का स्वरूप है, वो है। तो मैं अब इसको इतना सुंदर है, यह इतना भावात्मक है कि मैंने भी अपने अपना प्रश्न रखा था सुग्रीव के रूप में। कभी जी नहीं मैं इस प्रकार का बोलता, क्योंकि बाबा महाराज ने कभी किसी को ये कहा नहीं कि ऐसा करो वैसा करो, जो उन्हें करना है कराना है वो अपने आप ही आपको उसका बोध करा करके और आगे मतलब अपनी रस की स्थिति में निमग्न रहे। तो मैंने ये कहा कि अब ये सारा का सारा सब कुछ होते भी बार बार सबके मन में यही बात आती है कि कैसे जो है वो इस जड़ता को समाप्त करके और वो स्वयं जो है उनका सखा बन करके भी सुग्रीव लेकिन अपने विषयों का जो उसका संबंध था उसको विच्छेद नहीं कर पा रहा था और कह करके भी चला गया घर पे, और उसके बाद जो है लौट करके आने में विलंब हो गया और भूल गया कि मैंने कहा था कि सीता जी के अनुसंधान के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं हर प्रकार से सीता जी के अनुसंधान में सहयोग करूंगा तो भगवान श्री राम जी ने भी तुरंत कह दिया था कि तुम्हारा जो कार्य हो मैं उसको करने के लिए सदैव तैयार हूँ बिना कुछ पूछे हुए। तो जब उनका कार्य हो भी गया तब भी घर जा करके संबंध उसका जो जड़ता का था वो उसका साथ नहीं छोड़ पाया, तो फिर उसको बुलाने के लिए जो है एक रस भरा प्रेम भरा भय दिखाना पड़ा लक्ष्मण जी के माध्यम से। और जब वो लौट करके आया है तो भयभीत भी था और आश्चर्यचकित भी था, लेकिन ये कह रहा था मैं जैसा हूं आपका हूं। तो इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो यही कह रहा हूं कि वास्तव में ये मेरे हृदय की पुकार है, ये मेरा कोई बनावटी या कोई अपने को जो है निर्दोष जो है सिद्ध करने का प्रपंच नहीं है। तो जो श्री मानस में उसमें किष्किंधा कांड में जब वो लौट करके आता है और अपनी अभिव्यक्ति करता है तो वो हर जीव की और हर भक्त की और हर हृदय की वही अभिव्यक्ति गुरु के प्रति है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये करता हूं कि बिना किसी शर्त के क्षमा याचना करके आपके श्री चरणों में मैं अपने को जो है शरणागत होता हूं, बिना किसी शर्त के कि मेरी गलती है ये नहीं है, बिना किसी भूमिका के हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। नाई चरण सिर कहकर जोरी, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करके करबद्ध प्रणाम करके ये कहना चाहता हूँ। नाई चरण सिर कहकर जोरी, नाथ मोही कछु नहीं खोरी, मेरा मेरा कोई स्वयं का कोई खोट नहीं दिखाई देता मुझको, मैं क्या करूं, खूब ढूंढता हूं कि मुझ में खोट हो और आपके पास से जाने के बाद भी मुझ में खोट हो जाए, आप तो मेरे को मेरी मेरा इसमें कोई वो नहीं आता है। फिर कि अतिशय प्रबल देव तव माया छूटई राम करहु जो दाया, ऐसा लगता है कि आप ही का जो स्वरूप है जो आपकी माया है इसने मुझको पकड़ लिया और ये जब आपकी कृपा होती है तभी ये छोड़ करके आपकी ओर भेज देती है, नहीं तो अपनी ओर ले लेती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ, तो मैं क्या करूं, माया भी आपकी और आप भी स्वयं मायापति, तो मुझे लगता है कि मेरा स्वयं का क्या खोट है। और फिर जब मैं देखता हूं
कि नाचन सिरु कह कर जोदी नात मोहि कछु नाही न कोरी अतिश प्रबल देव तव माया छूटे राम करहु जो उदाया विषय वश सुर नर मुनि स्वामी मैं पामवर पशु कपि अति कामी। सारे के सारे जो भी देहधारी हैं वो विषों के वश में हैं, कोई उनसे पार नहीं हो सकता अपने बलबूते पर, अपने बल पर। तो फिर मेरी क्या गिनती है? ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचूं कि मुझे पकड़ लिया है, ये तो जो मुझसे बहुत आगे की स्थिति के हैं, अपने बल का जो है वो लिए हुए हैं, सहारा लिए हुए हैं, वो सब जो है उसके ग्रस्त में, उसकी पकड़ में है। विषय वश से सुर नर मुनि स्वामी, ये स्वामी महाराज सारे के सारे देवता, सारे मुनिगणों, सारे मनुष्य जो है इन विषयों से आगे नहीं बढ़ पाते। विषय वश से सुर नर मुनि स्वामी, और मैं पांवर, मैं तो वैसे भी पावर पशु कपि अति कामी, मेरा तो स्वभाव ही इस प्रकार का कि अगर विषय जो है मुझे आकर्षित ना करे तो मैं ही विषयों को आकर्षित कर लूं, मेरा तो स्वभाव ही है। मैं पावर पशु कपि अति कामी, और नारी नयन सर जा ही न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोभ पास जय घर न बंधाया, सो नर तुम्हें समान बुराया। जिसको नारी का, जिसको काम का जो है बाण भेद ना गया हो जिसके नेत्रों को, जो अंधकार में भी जो है अज्ञानता में भी क्रोध के वशीभूत न हुआ हो, जिसने लोभ का फंदा अपने 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 स्वभाव के कारण अपने ही गले में खुद ही ना डाल लिया हो, ऐसा कोई भी प्राणी वो केवल वही हो सकता है कि जो आपका स्वभाव है, जिसका उसी प्रकार की स्थिति हो, वही काम क्रोध लोभ से ऊपर उठेगा। उसके काम क्रोध लोभ जो है वो आपके उपकरण बन जाएंगे सेवा के, वो उसके भोग की सामग्री नहीं बनेंगे। तो इसलिए काम भी जो है वो दिव्य काम होगा, वो कामना केवल ये होगी आपके लिए आप ही की शरण में और आप ही का उपकरण बनने की। उसका क्रोध भी जो है अपनी जड़ता को दूर करने के लिए होगा, उसका लोभ भी जो है निरंतर जो है अपने भजन को और आपके साथ जुड़ने के लिए होगा, उसको संतोष नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि सो नर तुम्हारी समान अगुराई, और यह गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई ये कोई सोचे साधन से कर लेगा तो ये भी नहीं। तो वो सब बात उन्होंने कहलवा दी, अपनी भी बात कह दी कि मेरी तो गिनती कहीं नहीं है, और दूसरी बात ये कि माया के वश में सब हैं। तब उन्होंने कहा कि ये जो कह रहे हो कि ये आपकी कृपा से साध्य है, तो तुम इसी बात का अनुभव करो कि कृपा है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कृपा साध्य बाद में होगा, कृपा का ही फल है मेरा दर्शन। इसलिए गुरु जी महाराज का दर्शन और उनकी चेतना, उनके बारे में कुछ भी जो है जिसको हम सांसारिक तौर पर चर्चा कहते हैं, परंतु उन्हीं का जो संबंध बोध है और उन्हीं की सन्निधि का अनुभव करना, ये उनकी कृपा का ही स्वरूप है। इसलिए जो कुछ ये हो रहा है वो सब कृपा का ही स्वरूप है। इसी का बोध जितना निरंतर और अनवरत होता रहेगा, उतना ही जो है उसमें जो शाश्वत स्वरूप है उसका उदाहरण हो जाएगा। तो महाराज श्री ने आगे इसको वो रखा और कहा कि इसलिए भावना की नित्यता में जाना है, भावना की नित्यता का बोध करना है। ये हमारे मन हमारे ऊपर आरोपित तीन काल में नहीं है, फिर भी प्रतीत होने वाली जड़ता है, जो तीनों काल में जड़ता है ही नहीं लेकिन फिर भी प्रतीत होने जड़ता है, उसे भावना के सानिध्य से मिटा देना है। हमारे हृदय की एकांतिक भावनाएं नित्य साम्राज्य से, श्री युगल सरकार के श्री चरणों से और गुरु तत्व के संस्पर्श से, हमारे हृदय की एकांतिक भावनाएं नित्य साम्राज्य सीधे उतरकर हमारे हृदय कुहर में प्रेम की विवलता लेकर के आ रही है, किंतु जैसे ही अज्ञान के तिमिर से आच्छादित अहंकार से जनित प्रवृत्तियों का स्पर्श इस भावना से होता है, वैसे ये निर्मल भावनाएं जो हमारे हृदय में अतिरेक उत्पन्न करना चाहती हैं, या जो नित्य लीला से अवतरित भावनाओं का संस्पर्श करा के जीवन को कृपा का प्रसाद देने में समर्थ हो सकती हैं, वो हमारी अज्ञानता से आच्छादित हो जाती है। यह प्रक्रिया एक अनवरत प्रक्रिया है, यह तब तक चलेगी जब तक कि पुनः ऐसी करुणा हमारे अंतःकरण से प्रतावृत नहीं हो पाती जो एक नित्य स्थिरता को, नित्य अनुसंधान को पुनः स्थापित कर दे। कहने का तात्पर्य यह है कि वृंदावन और वृंदावन में विराजमान श्री राधा कृष्ण तत्व तो हमारी भावना का विषय हो, उनकी सन्निधि हमारे चिंतन का विषय हो, और हमारे अंतकरण पर निरंतर उनकी लीला का अनुसंधान ही तिरकता रहे। यह तब तक चले जब तक कि उसमें एक नित्य स्थिति ना आ जाए, और जो नित्य नूतन है
वह हमारे हृदय में कृपा करके विराजमान ना हो जाए। इसीलिए नाम के आश्रय से भावना को गति प्राप्त कराने की व्यवस्था है। श्वास प्रति श्वास में उठने वाली लहरें हमको निरंतर भाव से भावित कर देने में सक्षम। हमारी चेतना के पीछे जो एक रस समुद्र उमड़ रहा है, वही हमारे श्वास और प्राणों में उद्वेलित हो रहा है, उसी में श्वास लिया जा रहा है और यह श्वास उसी की थिरकन है। जब तक इस बात का पता नहीं चलता, तब तक हम जड़ता को जड़ता में ही जी रहे हैं। जब ये ज्ञान हो जाता है, जब ये ज्ञान हो जाता है कि जब ये ज्ञान हो जाता है कि प्राणों के भीतर जो रस समुद्र है, वही हमारे जीवन की धारणा है, तब कृपा प्लावित भावना हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि को अपने में आत्मसात करती है, अपने में समाहित करती है। ये उसका कार्य है। जहां तक प्रयास साध्य साधना साध्य करने का कार्य है, वह समर्पण का एक सोपान ही तो है, किंतु इसके बाद जो इसमें अंतर्निहित है वह तो अपना कार्य कर रहा है। अतः इस अवधारणा को लेकर अपने भीतर प्रेम को स्थापित करना है। जैसे ही ये प्रेम स्थापित होगा, वैसे ही जो कृपा की संपूर्ण व्याप्ति है और उसका संपूर्ण सानिध्य है, वह हमारे हृदय में उठ खड़ा होगा। इसी भावना को, इसी चिंतन को, इसी धारणा को यदि हम जीवन के प्रत्येक श्वास से जोड़ दें, तो व्यक्तित्व की जो समग्रता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति के आवरण के परे एक विस्तृत चेतना के साम्राज्य में जो नित्य वृंदावन का परिवेश है, जिसका वलय, जिसकी ज्योति हृदय को आच्छादित किए हुए है, उसका अनुभव हमें इसी देश काल में होने लगेगा। इसीलिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो भावना का निमज्जन है, निरंतर कृपा का अनुसंधान है, उसकी शरणागति लेकर मैं नहीं हूं और तुम्हारी कृपा ही सर्वसमर्थ है, मैं नहीं हूं और तुम्हारी कृपा ही सर्वसमर्थ है, इसका प्रत्यक्षण बोध होना ही चाहिए। जब संपूर्ण जड़ता उसमें विलीन होने के लिए आगे बढ़ेगी, तब जिस अनुभव को हम जन जन्मांतर से छोड़ाए थे, जो जीवन की आध्यात्मिक चेतना का अनुभव है, उसका प्रादुर्भाव होने लगेगा। इसीलिए नाम की भावना के साथ जो स्वरूप का चिंतन है, जो संबंध का बोध है, वह स्पंदित होना ही चाहिए। तभी उसमें जो नित्य वृंदावन का जो लीलाती रेख है वह खुलेगा। पुनः इसको जो धारण करने की बात है कि इसीलिए नाम की भावना के साथ जो स्वरूप का चिंतन है, जो संबंध बोध है, वह स्पंदित होना चाहिए। तभी उसमें जो नित्य वृंदावन का जो लीलाती रेख है वह खुलेगा। ऐसी स्थिति में इस देह के भीतर जो अधेय तत्व है, इस देह के भीतर जो अधेय तत्व है, पांच भौतिक और गुणात्मक प्रतीक के साथ जो चिन्मयता है, दिव्यता है, वह अनुसंधान का विषय बनेगा। अन्यथा स्थूल सूक्ष्म कारण आदि जो शुद्ध चिन्मय है, नित्य शुद्ध बुद्ध है, उसके ऊपर आवरणित बने रहेंगे। और फिर जो काल जनित है अथवा गुणात्मक है, पंच भौतिक है, इसी में कुछ अद्भुत व्याप्त है, वही हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण का पाथे बन जाएगा। अतः इसी भावना, इसी आकांक्षा और इसी व्याकुलता को लेकर प्रत्येक क्षण अपने में जागृत होना है। और जब हम सतत जागृत होंगे, तब स्वतः ही एक चेतना का वृत्त अपने अंदर अनुभव होने लगेगा। जब हम सतत जागृत होंगे, तब स्वतः ही एक चेतना का वृत्त अपने अंदर अनुभव होने लगेगा। श्री व्यास जी महाराज जो आदि गुरु हैं, उन्होंने अपार करुणा से प्लावित होकर, उद्वेलित होकर प्राणियों के लिए, जीवों के लिए गुरु परंपरा को प्रशस्त किया। वे अधिष्ठान के रूप में, अधिष्ठान तत्वों के रूप में प्राणी के हृदय में, हम सबके हृदय में विराजमान है। जीव के हृदय में गुरु और शिष्य तत्व जो निरंतर संबंध स्थापित किए हुए है, उसका अनुसंधान संपूर्ण मंगल और कृपा की मूर्ति श्री गणेश जी महाराज कराते हैं। उसका अनुसंधान संपूर्ण मंगल और कृपा की मूर्ति श्री गणेश जी महाराज कराते हैं। तदनंतर शिव तत्व उसको कृतार्थ कर जीव की जड़ता को शरणापन्न करा देने में समर्थ होता है। तब भक्ति का प्रादुर्भाव होता है।
भक्ति के प्रादुर्भाव से स्वरूप का अनुसंधान होता है, और स्वरूप का अनुसंधान होते ही जो जीव का नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप है उसको मिल जाता है। इसके मिलने के साथ ही अनंत जन्मों की यात्रा एक क्षण में आकर अक्षुण बन जाती है। यही इस जीवन का गंतव्य है, यही इस जीवन का गंतव्य है, यही इस जीवन का लक्ष्य है। इसको प्राप्त कर लेना अथवा जो नित्य प्राप्त है उसका अनुभव कर लेना हमारे जीवन की आंतरिक मांग है, हमारे जीवन की आंतरिक मांग है। तो इस प्रकार इस भावना को, इस सानिध्य को, इस चिंतन को, इस समर्पण, इस जिज्ञासा को जो जीव के हृदय में निरंतर विराजमान है और भगवत तत्व को विराजमान करने के लिए व्याकुल है, उसकी ओर अभिमुख होना है। सम्मुख हुए जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अघनासी तभी। अंतःकरण के प्रत्येक स्पंदन से, इस मन बुद्धि चित्त और अहंकार की प्रत्येक व्यवस्था से इस सानिध्य को जोड़ना है। ये सानिध्य जैसे ही जुड़ेगा, निरंतर नाम स्मरण जो अभी केवल प्राणों के स्पंदन से हो रहा है, फिर लीला के स्पंदन से शुरू हो जाएगा। और परा पश्यंती मध्यमा बेकरी चारों वाणियां उसका भजन करने लगेंगी। धीरे धीरे वाणी की जो सूक्ष्म स्थिति है वही आराधना में बदल जाए। यही जो हमारे जीवन का प्रमाद बना हुआ है वही उपासना बनकर जीवन को ओजस्वी बनाने में समर्थ होगा। वह जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है हमारा प्रश्य हो जाएगा और हमारी उपासना का आधार बन जाएगा। इस परंपरा को ही गुरु परंपरा कहते हैं। इसी की धारणा करनी है। जितनी अवधारणा होगी उतना ही यह सानिध्य हमें सुलभ होगा। इसकी सुलभता प्रत्यक्षण ये मानकर चलना है। इसकी सुलभता हमें प्रत्यक्षण है, प्राप्त है, इसको मानकर चलना है। इस आस्था व विश्वास के साथ कि जो अब अभी और इसी क्षण है, जो हमसे अधिक हमको जानता है, जिसके जानने से ही हमारे में कुछ भी जानना संभव है, उसे जाने हुए को जो अपना परम अभिन्न है उसी को जानना है। इसलिए वैदिक गणित सोई जानत जीव देही जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। तो ये गुरु तत्व का वो स्वरूप है जो बड़े बड़े शास्त्रों का रस धारा का और आपके जो दिव्य अंक हैं वो इसको अभिव्यक्त करने को व्याकुल हैं। ये उन सबको बिना किसी औपचारिक ज्ञान के प्रकट होने को बाबा की कृपा के प्रसाद के रूप में वितरित होने के लिए श्री जी का बरसाना जो है वो अपनी कृपा का अनुभव कर रहा है। तो अभी माह की पूर्णिमा 2-3 दिन बाद है और 9-10 में जो शिवरात्रि है और होली से पहले, चूंकि होली के उत्सव का ही मुख्य उत्सव की बात है, तो सबसे पहला जो उत्सव है जिसमें महाराज श्री का यही कहना है कि आप सदैव अपने को उत्सव में ही अनुभव करेंगे। सबसे बड़ा उत्सव नंद महोत्सव है। नंद महोत्सव में उनका प्राकट्य हुआ और सभी ने उस उत्सव में दिव्यता का एक संचार अनुभव किया। बाकी सब उसका अनुभव करने के लिए ही है, जिनको वो अनुभव हुआ उसका प्रसाद वितरण करने के लिए है। इसलिए श्री नंद महोत्सव, वहां पर ये नहीं कहा गया कि सुपुत्र हुआ है, बेटा हुआ है, लाल हुआ है, लेकिन मूल रूप में क्या हुआ कि नंद के घर आनंद भयो, आनंद हुआ है। तो इसलिए उस आनंद जब उसके घर पे हो गया नंद के, तो फिर वो जो आनंद का अनुभव गोप को, गोपियों को, सबको हुआ, उसी को तो प्राप्त करने के लिए जड़ता है उसको हटाने के लिए, वो आनंद में तो है ही। तो इसलिए वहां पर जब पूज्य श्री डोगरे जी महाराज जैसे संतों ने अनुभव किया कि जब ब्रज गोपी चल रही थी तो उसके मन में किस प्रकार की बातें आ रही हैं, किस प्रकार का उसका विचार आ रहा है, उसके जो वो कह रहे हैं नेत्र कह रहे हैं कि पूरे शरीर में हम ही सबसे धन्य हैं, हम आज दर्शन करेंगे अपने उस जो है जिसके हम अंश हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि अरे तुम केवल जो है दर्शन की बात कर रहे हो, मैं तो वेणुनाद सुनूंगा। कर्णेन्द्रिया कह रही है मैं तो वेणुनाद सुनूंगा, अगर मैं वेणुनाद के लिए आगे नहीं बढ़ूंगा तो मैं दर्शन किसका होगा, मैं वेणुनाद के लिए आगे बढ़ूंगा। और वो कह रहे हैं कि हम तो उसका जो है स्पर्श जो है सेवा का, उसके जो हस्त कमल कह रहे हैं कि सेवा का स्वरूप तो हम ही को मिलेगा, तुम्हें दर्शन लाभ मिलेगा, तुम्हें जो है सुनने को मिलेगा,
लेकिन हृदय कह रहा कि यदि मुझ में जो है उत्सुकता नहीं होगी, पल्लवित नहीं होगी, तो तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। और उसके बाद उनके चरण कह रहे हैं कि यदि हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो तुम यही रह जाओगे, दर्शन कैसे करोगे। तो उसके स्वयं के देह में, जैसे उस विराट का सारा संसार देह है, सब लोग अपने को अलग अलग कहते कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, लेकिन उन्होंने कहा तो उनके पुष्प कह रहे हैं कि गोपी तुम धन्य हो, तुम तो वहां जाकर के पुष्प का अर्पण करोगी। और नासिका कह रही है कि उस यज्ञ की जो सुगंधिम पुष्टि वर्धना में, वो तो हम ही सबको जो अनुभव कराएंगे। तो सबके सब अपना अपना वो कर रहे हैं, तो उनके पुष्प जो उनकी वेणु में लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि देखो हम तो ऊपर से इतने उत्साहित हो रहे हैं इन सबको करके, क्योंकि शीर्ष पे हम हैं, तो हम तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, हमें नहीं जाना है वहां तक, हमारी इतनी जो है स्थिति नहीं है, हम तो तुम्हारे चरणों का स्पर्श करके ही अपने को धन्य अनुभव करेंगे। तो उसके पुष्प आ रहे हैं। तो ये जो अपने अपने घर से आई हैं निकल करके, और उस आनंद के उत्सव में बधाई देने के लिए आ रही हैं, तो वो एक अलग भाव में है ना, उन्हें पता है कि ये किसके लिए चयन हुआ है, यही गोपी जो है महाराष्ट्र में जाकर किस प्रकार का अनुभव होना है। तो ये वात्सल्य के रूप में उनको अनुभव हो रहा है, वात्सल्य का रस जो यशोदा के माध्यम से आ रहा है, फिर यही रस जो है उनका माधुर्य का जो है महाराष्ट्र के माध्यम से है, उसी रस का जो है ये वितरण है ब्रज के उत्सव में। ये होली का रस जो है जिसमें सारे रंग है, ये भी गोपी का उसके दंड के माध्यम से, लटमार के माध्यम से, ये सारा का सारा रस का वितरण है। और रस को तो संजो लिया उसने उसी दिन, इसीलिए वो नित्य दर्शन करने के लिए, और ये कहने के लिए कि मैं तुम्हें बुलाऊं कैसे, कोई बहाना नहीं है। उसने कहा माखन के सहारे बुलाओ ना, माखन जैसा भाव जो है अपने हृदय में प्रकट करो, तो जहां माखन होगा मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा लेकिन माखन के लिए तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, कि क्या है? कह रहे पहले गौ माता की सेवा, उसके बाद दुग्ध की लीला, उसके बाद जो है दही की लीला, उसके बाद जो है उसको मतलब माखन के लिए तैयारी करना, फिर जो है उसकी तैयारी, और फिर यदि उसमें कोई कमी रह गई तो फिर मटकी फोड़ने के लिए तैयार, कि मुझे पसंद ही नहीं आया तुम्हारा माखन। तो इसलिए ब्रज गोपी को उन्होंने कहा कि तुम माखन का लक्ष्य रखो, और लेकिन उससे जुड़ी हुई सारी क्रियाएं उनके साथ जो वही अनुभव करो जो उद्देश्य उसका माखन की प्राप्ति है, और माखन के बहाने मेरी प्राप्ति है, क्योंकि वो स्वरूप जो है नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। तो वो जब नवनीत उसमें होगा, उन्होंने कहा वो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा जैसे गौचारण के लिए जाए तो प्रार्थना करते रहो कि हे गौ माता, ऐसा जो है तुम अपना जो है गौचारण करके आना कि ताकि उतना दूध तो मिल ही जाए जिससे जो है सुबह को माखन की तैयारी हो जाए, नहीं तो ये मेरे ऊपर तो मेरी परीक्षा तो केवल जो है माखन के समय होगी, बाकी परीक्षा तो मैं हूं ही नहीं, तो मैं क्या करूं? अगर उसके पहले की पृष्ठभूमि तैयार नहीं हुई तो मैं माखन का क्या करूंगी? तो दिन भर जो है बैठ करके सब एक स्थान पे गोचारण की चर्चाएं करते रहते, अब वहां पहुंचे होंगे गोप, वहां आए होंगे, शाम को जो है गोधूली वेला में दर्शन करने के लिए, उससे प्रसन्नता से पता लग जाता है गौ माता की, वाह गौ माता जो है प्रसन्नता का लेके आई, हमें निमित्त बना के अपनी सेवा से और माखन जो है समर्पित कराएगी, तो उसका धन्य करती हैं। फिर दूध के समय पर उसको गर्म करके जो दिन में किया है, जब उसकी दही बनाने को चलती हैं, तब कहती हैं कि हे हे दही माता, हे दूध देवता, हे जामुन, तुम ऐसा संयोग बनाना कि ऐसी दही बने कि उसमें से ऐसा मक्खन निकले कि जिससे जो है मेरे को जो है प्रेम की प्राप्ति हो, इसमें तुम ही कर सकती हो, इसलिए मैं इसमें बीच में हूं नहीं, गाय भी उसी की और दूध भी उसी का, और ये जो दही जमाने के लिए जो इसमें जामुन है ये भी उसी का, इसलिए मुझे मुझे फटकार ना पड़े, मैं वंचित ना रह जाऊं अपने उससे, मेरा इसमें कुछ है नहीं, मैं तो केवल हाथ जोड़ सकती हूँ, मैं तो प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं तो उसी को खड़ा हुआ देख सकती हूँ, उसी से कह सकती हूँ कि ये तुम्हारी जो सेवा की सामग्री है इनको भी तुम ही संभालना, मुझे ये अहंकार ना हो कि मैं इससे जो है मक्खन प्राप्त कर दूं, मेरे घर में गाय है तो मक्खन मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सुबह को जब माखन की लीला होती है, जब वो नवनीत बनता है, तब उसके सहारे वो कहते हैं कि ये बहाना है केवल बुलाने का, तो उनको किस किस रूपों में दर्शन होता है, और वात्सल्य का जो भाव है उनको केवल ऐसा नहीं होता कि यशोदा जी का ही लाला है, उनको लगता है कि मैं यशोदा का स्वरूप और वो लालाकार गोचारण का उन सारी लीलाओं के साथ जुड़ा हुआ, इसीलिए जो सारा ज्ञान प्रकट हुआ उनके अंदर, वो उस उनकी उस सन्निधि से और उसके स्वरूप बोध से और उस माधुर्य से हो गया। तो उसी प्रक्रिया को अपनाने के लिए इसलिए गोचारण भी वही हो जो गोपी करती है, और उसका जो है दुग्ध का जो है दोहन भी वही हो जो गोपी करती है, दधि मंथन भी वही हो जो गोपी करती है,
और माखन का भी उसी प्रकार का स्वरूप हो जैसा गोपी करती है, और उसकी प्रतीक्षा और उसको माखन जो है पवाने की जो उत्कंठा है और जो रसधारा है वो भी उसी प्रकार की हो। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण वंदे जगत गुरु में ये सब इसी के रूप है, जिसको तुम गुरु तत्व कहते हो वो सारे जगत का गुरु वो इन गोपियों को कहता है कि मेरे गुरु तुम हो। हे गोपी, इन सारे संसार के बंधनों को कोई नहीं तोड़ सकता, अपने स्वजनों को प्रियजनों को इनसे नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुमने इन सबको तोड़कर और मेरे साथ जो संबंध का ये स्वरूप बनाया है तो इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और तुम्हारा ऋणी हूँ और तुम ही मेरी गुरु हो। तो इसलिए गोपी को गुरु जो है जो माने उसकी बात सोचिए। तभी तुमने कहा उन गोपियों का जो स्वरूप है वही इस गीता जी के ज्ञान में और रस में जो है वही शरणापन समर्पित कराने के लिए, शरणागति के लिए उसकी जो है वो साधन सामग्री भी है और कृपा का प्रसाद भी है। सर्वोपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदन। तो ज्ञानियों से कहा गया कि तुम गोचारण को सारी उपनिषदें इकट्ठी कर लाओ अपने और इन गांवों को गाय को देखो क्या गई मेरे साथ। सर्वोपनिषदो गावो और दोगदा गोपाल नंदन, इनका दोहन करने के लिए गोपाल नंदन का स्वरूप हो। इन उपनिषदों का दोहन ऐसे नहीं कर पाओगे। गोपाल नंदन जो है जिस रूप में इनका दोहन चाहता है, जो इसमें से निकालना चाहता है, अगर वो उद्देश्य हो तो वो निकलेगा, नहीं तो ज्ञान का अहंकार पहले आ जाएगा, ज्ञान जो है वो प्रेम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सर्वोपनिषद होगा वो दोगदा गोपाल नंदन, और जो है उसमें है पार्थो वत्स, उसको जो है वो बने हैं अर्जुन जो है उनको कहा कि तुम बछड़े के रूप में अपनी अक्षुधा जो है प्रकट करना, ताकि जो है गौ माता का वात्सल्य उस वस्क पर कृपा प्रसाद बन के अपने दूध को जो है प्रकट कराने के लिए आगे बढ़ जाए। इसलिए वस्क के रूप में, वस्क के रूप में अर्जुन का भी स्वरूप कौन सा जो वस्क के रूप में हो, और वो स्वरूप जो है गोपाल का हो, गोचारण का, ज्ञान का हो। तो उन्होंने कहा कि वस्क कहां से आ गया, कि वस्क वात्सल्य से आ गया। गाय माता अपने वश के लिए उसको उसका शोधन करने के लिए उसकी सारे के सारे विकारों को अपने अंदर समेट लेती है। तो इसलिए तुम विकारों से मत घबराओ, मैं माँ का भी स्वरूप हूं। तो मैं माता च पिता, मैं सबसे पहले माँ ही हूं। तो इसलिए मैं उसको विकारों को मुझ में आने, तुम्हारा स्वरूप तो शुद्ध रहेगा। तो उन्होंने कहा कि सुधीर भोक्ता इसके जो है वो होंगे, जो भी सुधीजन है वो इसके भोग इसका भोग करेंगे। सुधीजन जिनकी सद्बुद्धि होगी, जिनकी प्रज्ञा होगी, जिनकी प्रज्ञा ये कहेगी कि इसका रस जो है वो हमको तो मिल रहा है, लेकिन इसका रस उन्हीं का सुख बनाने के लिए, उसी का आनंद वर्धन के लिए है। इसका कोई स्वार्थ नहीं है, इसका ये स्वार्थ भी नहीं है कि उनके सुख को देख के सुखी हूं। बस केवल एक तत्सुख सुखिया, उनका सुख बढ़े, यही श्री जी की कृपा का स्वरूप है। गोपी की सभी गोपियों के गोपी भाव का संरक्षण और उसकी जो आराध्या है वो श्री जी स्वयं। इसलिए सुधीर भोक्ता और गीता, गीता दुग्ध गीता अमृतम है, तो उसकी तो वो तो श्री गीता जी का जो ये दुग्ध पान है, जो इस जिसकी जो महानता है, महत्व है, ये उनके महात्म्य में आता है। तो इसलिए ब्रज की लीलाओं को बाबा ने कहा कि ये यहाँ इतने सहज में प्राकट है, एक गौचारण के साथ जुड़ने मात्र से तुम्हें जो ये पता लगता है कि तुम्हारी वृत्तियां गोचारण की तरह बाहर घूमती रहती है दिन में। तो मैं ये दिखाने के लिए करता हूँ, घबराओ नहीं, मेरी तो 9 लाख गायें घूम रही हैं, लेकिन मैं उनको छोड़ करके गिरिराज जी पे और मैं अपना निकुंज में और सब मैं गोपियों के साथ जो है अपना वो कर रहा हूँ, लीला के साथ में। तो इसलिए तुम वृत्तियों को मेरे साथ छोड़ दो, सारथी बना करके मुझे ये दिन भर जो है चरेंगी। तो ये चरना जो है गऊ का, ये हमारी वृत्तियों का चरना है। और जैसे ही वेणुनाद होता है उनको लगता है कि बुला लिया वापिस, तो वो दिखाई गायें देती हैं, लेकिन गोपी का भाव है। रात्रि में यही जो है गोपी जो है फिर महाराज के लिए दिव्य चेतना के साथ, जहां महादेव जी जो है अपने तांडव को जो है उस माधुर्य में लेके गोपी सखी भाव में आते, उसमें आते हैं। तो वैदिक गणित का जो स्वरूप है इसके समानांतर है, ऐसा भाव महाराज श्री का है। वो जो अंक है उनके वो अपने में पूर्ण है वहां तक, बाकी सब तो उनकी व्याख्या है, व्यंजन है बाकी। तो उसने कहा व्यंजन में तो चाहे 56 भोग बना लो, लेकिन 56 भोग जो है अगर मैं नहीं पाऊंगा तो 56 भोग क्या करेंगे। इसलिए सारे गिरिराज जी पे उन्होंने कहा कि किसी को कुछ व्यंजन बनाने की जरूरत नहीं है, जो तुम बनाओगे वही व्यंजन बन जाएगा, जिसको मैं स्वीकार कर लूंगा वही व्यंजन। इसलिए जो तुम्हारे पास घर में है वही बना के ले आओ, तुम्हारी सबके व्यंजन इकट्ठे हुए गिरिराज जी को समर्पित होंगे।
तो महाराज जी ने कहा कि आप लोगों के पास जो कुछ भी है, जिसको आप अपना मानते हो, मेरा मेरा मेरा, उसको मुझे दे दो, ताकि वो मेरा हो जाएगा तो वो चिन्मयता के साथ उसका सदुपयोग हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास जड़ता अपनी है, पर जो मानी हुई है, ये तुम्हारा जो माना हुआ है कि संसार मेरा है, शरीर मेरा, यही तो तुम्हारे पास है, और क्या है? बाकी सब तो उसके डेरिवेटिव हैं। इसलिए बलि ने कहा कि मैं बलि राजा और ये मेरा राज्य। तुमने कहा बताओ पहले क्या दोगे? पहले मैं को दोगे कि मेरा को दोगे? उसने कहा कि जितना चाहिए उतना ले लो। उन्होंने कहा मुझे तीन पग चाहिए। तो तीन पग देने से इसलिए खुश हैं कि तीन पग तो इनको दे देंगे, बाकी तो मेरा बचा ही रह जाएगा, मेरे भोगों के लिए, मेरे अहंकार की पुष्टि बचा ही रह जाएगा। एक पुष्पों की माला मेरी माला, और बाकी फूल तो मेरे हैं ही। 10 का नोट जो है ठाकुर जी का, बाकी 90 तो जेब में मेरे हैं ही। तो उन्होंने कहा ये नहीं मैं करता हूं, मेरा जो कहता है कि मेरा ले लो, जो तेरा है वही दे लो। तो मेरा जो कुछ तेरे पास है वो मेरा है, जो मैं से बनाया है। उस मैं से नोट छाप करके अपने लिए नहीं ले सकते, क्योंकि मशीन मेरी है। इसलिए रिजर्व बैंक कहता है कि जो छपे हैं उनकी गणना करके वापस कर दो, केवल तुम्हारा कार्य जो है यहीं तक सीमित है, तुम्हें निमित्त बना करके हुआ है ये सब। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले मेरा दे दो, कि ऐसा मेरा लूंगा कि फिर मेरा जो है तुम्हारे पास बचेगा नहीं, और ऐसा भी नहीं छोड़ूंगा कि फिर मेरा मैं से बन सके, मैं भी साथ साथ ले लूंगा। इसलिए मैं और मेरा दोनों एक साथ, एक अहमता ममता ही है जग में अति दुखदाई, एक अहमता ममता ही है जग में अति दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे होते परम सुखदाई, जब ये गुरु जी की ओर लगे होते परम सुखदाई। अहमता ममता मेरे, मैं केवल आपका, और मेरे केवल आप, ये अहमता ममता का जो है वो शरणागत का स्वरूप। मन मना भव मत भक्तो मत दयाजी माम नमस्तु। इसलिए अर्जुन से कहा तेरा कुछ बचेगा ही नहीं, तेरा ज्ञान ही नहीं बचा, तेरे प्रश्न ही नहीं बचे, तेरे सारे प्रश्न मैंने ले लिए, उत्तर बना करके दे दिए, अब तेरे पास प्रश्न ही नहीं है। जब तेरे पास प्रश्न नहीं है तो अब तेरी बुद्धि क्या काम करेगी? नया प्रश्न दे नहीं रहे तो इस बुद्धि को दे दे मुझे, अब क्या कर रहा? तेरे मन में कोई नया विचार आ ही नहीं पा रहा, तो जब आ ही नहीं रहा, खाली हो गया, तो खाली का क्या करेगा? लाओ मेरा है ये, इसलिए मैंने इसे खाली कर लिया। सर्वधर्मान पिता जे मामे कम नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादान मच्युत। इसलिए वैदिक गणित जो है वो केवल इस संबंध बोध को जागृत कर और जो है उस अखंड स्मृति के अतिरेक को जगाने में सीधा फल दे दे, किसी प्रक्रिया से ना गुजरने दे हमको, इतना समय नहीं है बस। कोई भी जो उसका निमित्त बनेगा वो एक ही काफी है, वो एक जो है सब जगह जुड़ जाएगा। इसलिए श्री जी ने कहा यहाँ तो बना बनाया है, यहाँ तो तुम्हें अंकों की दिव्यता से बोध कराना है। ये सारा का सारा जो स्वरूप है ये अंकों से प्रकट है, क्योंकि अंक ही जो है काल की गणना कराते हैं, और काल की गणना के कारण ही ये जो भेद हुआ हुआ है। तो इसलिए इन अंकों को कालातीत के साथ जोड़ने की विधा लेकर के आ जाओ। फिर अंक जो है वो काल के साथ न जुड़े, कालातीत के साथ जुड़ जाए। अंक जो है केवल संकेत दे दें कि मैं 9 हूं, लेकिन 9 क्या करेगा? मैं 8 हूं, हाँ 8 तो हो, लेकिन किस लिए 8 बने? इसलिए बने श्री राधाष्टमी के लिए, किस लिए बने? श्री जन्माष्टमी के लिए। मैं 9 हूं, क्या करूं तुम्हारा? 9 का के श्री रामनवमी मना लो, श्री दुर्गा नवमी मना लो। मैं 2 हूं, मैं क्या करूं? मैं यमद्वितीया मना लो मेरी यमुना जी के साथ। मैं 3 हूं, क्या करूं? हरियाली तीज मना लो श्री जी की। तो उनका कहना है कि मैं 2 हूं, अरे 2 हो गए बाहर, 2 आदित्य हो सब, यहाँ तो बामन द्वादशी है, यहाँ तो लीलाओं के स्वरूप है। तो उन्होंने कहा कि इन ये अंक की जो गणना है कि 8 दिन बाद एकादशी आएगी, कुछ आएगी, यहाँ तो नित्य लीला है ना। इन अंकों को बीच में से हटा दो, गणना को हटा दो, तो जो जिसकी गणना कर रहे हो उसी को सौंप दो, वो फिर जो जिसकी गणना करके जहां पहुंचना उसमें समर्पित, काल महाकाल के साथ जुड़े। काल जो है उन्होंने कहा गणना के लिए मैं काल हूं। तो इसलिए इन सबको समझ में आ जाए कि तुम्हें गणित आता है, लेकिन वो गणित नहीं आता जो कन्हैया को आता है। कन्हैया जो है उसका गणित नहीं समझ में आता, वो गणित को फैला देता, कहना क्या गणित है। वो तो कहता मेरी गणना बताओ, तुमने कहा कि अ अ का 1 नंबर है, तो इसका मतलब 1 पहले हो गया, अ तो बाद में हुआ ना गणना। उसने कहा कि फिर जो शाश्वत है वही मेरा स्वरूप है ना,
तो इसलिए गणित शाश्वत है। देश काल परिस्थिति हो सकती है, कह सकते हो यहाँ की भाषा यह है, यहाँ का यह है, यहाँ का यह है, लेकिन महाराष्ट्र में, गुजरात में, औरंगाबाद में एक तो एक ही है, दो तो दो ही है। तो वो सब सबकी एकता का अनुभव कि 25 राज्य होंगे, 25, लेकिन 2 और 5 कहां से आएंगे, 25 तो सब 25 समझेंगे। तो उसने कहा जहां भेद मिट जाते हैं वो अंक जो है उनके अंदर जो अभेद तत्व है वो अंकों में है, और बाकी सब उनकी गति है। मूल में जो अंक है बाकी सब तो उसकी गति तो है। जो आपने कहा कि वो पहला ही सूत्र जो है कि पहले से जो पूर्व वाला है उसी में जोड़ करके तो उसको नई संज्ञा मिली है, वो एक के साथ एक जोड़ के ही तो उसकी नई संज्ञा दो हो गई, क्योंकि मूल में तो वो एक ही है। उसने कहा यही तो मैं कह रहा हूं इतने दिनों से कि मैं एक से अनेक हो गया हूं संकल्प मात्र से, मुझे कुछ जोड़ना घटाना नहीं पड़ा, मैंने तो अपने को ही अपने साथ जोड़ा तो नई संज्ञा हो गई, मेरे तो स्वर के साथ स्वर जुड़ा तो व्यंजन बन गए। तो इसलिए महाराज श्री का जो ये है जो श्री राधा उस पर आ रहा है और होली के पूर्व में इसका है और इन सबके साथ जोड़ने का है, तो ये सब अपने आप जो है उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे कि सारे शास्त्रों को गहन करने के बाद, सुनने के बाद, सब करने के बाद भी यही प्राप्त होना है, और ये तो हमें पहले से प्राप्त है और इसके माध्यम से जो है वो अखंड होने जा रहा है गणित के माध्यम से, और श्री बरसाना जो है उसका साक्षी रहे। क्योंकि वो क्या करते हैं कि उसमें आने वाले विक्षेप को सोते ही जो है वो आने नहीं देंगे, वहां है ही नहीं कोई विक्षेप का, इसलिए जिन बाधाओं को हम दूर करना चाहते हैं वहां बाधा का जो शब्द वो अक्सर सब है संसार के भाव को लेकर के, वो है ही नहीं वहां, क्योंकि धाम है और धाम में भी आलादनी शक्ति का है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस बात को हटा के आओ कि यहाँ कुछ करना होगा, यहाँ तो जो हुआ हुआ है पहले से, जो कृपा के रूप में आया है उसका निमित्त बन करके जो हुआ है और जो करना चाहते हो उसमें उसमें सीधे के सीधे जुड़ने के लिए है, और ये गुरु कृपा का प्रसाद है। तो महाराज श्री ने कोई पांडुलिपि कोई अपनी लिखी नहीं, कोई पांडुलिपि वाले को बुलाया नहीं, लेकिन कहा कि भाई इस पांडुलिपि का जो रस है ये वितरण होना है, ये उसकी उसकी उसका संकल्प है, तो उसका संकल्प है, तो अपने आप आकर के खड़ी हो गई। उन्हें कहा रखेंगे कहाँ, ऐसी जगह रखो कि जहां कोई उसको हटा ना सके। उन्हें कहा फिर ये तो यही है। जयपुर वाले भी कहने लगे कि हमारा भवन है, उन्हें कहा ब्रज अकेडमी है। अब बाद में ये होने लगा कि ये कोर्ट तय करेगा, उसने कहा भाई कोर्ट तो बाद में तय करेगा, हमारी गौ माता है पहले इसकी सुरक्षा कर लेंगी। तो ये जो गौ माता का संबंध है वह वो जो नित्य लीला हो रही है उनके माध्यम से, वो एक जगह स्थिर दिखाई दें और उसको जो उस रूप में गिनती करें, लेकिन वो ब्रज की लीलाओं में जो गाय की भूमिका है वो उसका उपकरण है उनकी लीला का, और उसके साथ जो है 24 घंटे की भी दिनचर्या जुड़ी हुई है और सारे के सारे उसके आगे की भी जुड़ी हुई है। वहां जो है प्रतिक्षण की जुड़ी है, तो दिन के 8 पहर की जुड़ी है 3-3 घंटे में, वो जो है लगा करके अमृत वेला से, ब्राह्म मुहूर्त से और प्रभास से और संध्याओं से जुड़ी हुई है, और वो जो है एक दिवस जो है दूसरे के साथ मिलकर सप्ताह से जुड़ा हुआ है, वो जो अष्टमी है दोनों को देखती है, 7 इधर 7 इधर, और फिर अमावस्या पूर्णिमा दोनों को देखती है। इसलिए कहा जो दोनों को देखता है वो मेरे स्वरूप है, बाकी सब तो उन तक पहुंचने के और वहां से फिर वापिस आने के जो है वो अनुभव मात्र हैं, कि 1 से 7 तक पहुंचे फिर अष्टमी, अष्टमी से फिर पूर्णिमा पहुंचे फिर वापस। तो इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या दोनों एक दूसरे के स्वरूप ही तो हैं, पीछे देखेंगे अमावस्या है, सामने पूर्णिमा है, पूर्णिमा ने कहा तुम्हें दिखाई दे देती हूँ तो तुम इधर से देखो, फिर वही महा बन गए, उन्होंने 12 में विभाजित करा दिया। उन्होंने कहा ये सारे की सारी जो गणना है मेरी ये नित्य लीलाओं में समाहित है, इसलिए इसका विस्तार है वो सब, उसका रस लेने के लिए भी है, उसमें भी रस है अपना अलग अलग, क्योंकि उसमें एक ही रस में केंद्रित होना, यहाँ सारे रस एक साथ हैं, तो इसलिए देह के माध्यम से उन सब का विविधता का भी अनुभव करें और उस एकता का जो है सन्निधि बनी रहे, अधिष्ठान वही रहे। इसलिए गुरुजी महाराज जो है कहाँ पर केंद्रित हैं, वो कहाँ, कोई वृंदावन में ब्रज अकेडमी में है या प्रयाग में है या कुरुक्षेत्र में है या सिरिजी में है, वो सबके हृदय में विराजमान, इसलिए हृदय में विराजमान होकर के जहां भी हृदय को जोड़ोगे तो वहां दिखाई देंगे, और हृदय जो है वो वृंदावन है महाराज श्री। उन्होंने कहा मैं वृंदावन में हूं और हृदय वृंदावन है, अगर हृदय वृंदावन नहीं होगा तो इस जीव की संज्ञा नहीं हो पाएगी, रसधारा का अनुभव कैसे होगा। तो इसलिए ये जो नई बात आ रही है, नई नहीं आ रही, मतलब जो कृपा का स्वरूप आ रहा है वो श्री जी के उसमें आ रहा है कि ये एक समानांतर रूप में बहुत सूक्ष्म में उसको ये पता लग जाए कि तुम प्ले स्कूल में जाने से पहले जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो
उससे उन लोगों को जोड़ोगे जो उनके अलग अलग स्तर पर होंगे। कुछ जो है वो विषयों के माध्यम से आएंगे, कुछ जो है क्रियाओं के माध्यम से आएंगे, कुछ ज्ञान के माध्यम से आएंगे, तो वो सबका एक ही स्वरूप है। लेकिन उनमें जो छिपा हुआ रस एक ही है, वो तुमको होने के माध्यम से तुम उनको ये अनुभव कराओ कि तुम सबका जो स्वरूप है, जो रस है, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तुम अलग अलग नहीं हो। उन सबको इस भेद का अनुभव जो है वो हटाने के लिए ही ये शास्त्रोक्त प्रक्रिया है। नहीं तो इसके अभाव में वो सब जो है अपने को अलग अलग अहंकार से जनित होकर के उन प्रवृत्तियों में होकर और फिर माया के आवरण से आच्छादित होकर और उस नित्य संबंध बोध से जो है भिन्नता का अनुभव कर रहे हैं, और वही उसके एक दुख का कारण है, क्योंकि उसमें सुख का अनुभव हो रहा है और उसका नित्य वियोग हो रहा है, तो वो दुख है ही। उस सुख में जो दुख निहित हो दिखाई दे जाए तो वो स्थिति उसके सामने होती। तो अर्जुन को युद्ध में जो है सुख दिखाई दे रहा था कि राज्य प्राप्ति हो जाएगी, विजय हो जाएगी, युधिष्ठिर राजा बन जाएंगे, इतने दिन तक संकट हुआ है, अब जो है आराम हो जाएगा। उन्हें कहा कि संसार की हर जय पराजय में जो है वही दुख है जिसको तुम सुख समझ रहे हो। ये प्रारंभ में सुख दिखाई देते हैं, लेकिन ये विषयों का विषय, इसमें दुख छिपा हुआ है, इसलिए उसको सहन नहीं कर पाओगे। अगर सुख को सहन कर लिए होते तो इस सुख में भी तुम्हें दुख दिखाई देता, तुम इसमें प्रवेश ही नहीं करते। अगर प्रवेश करते तो निमित्त मात्र बन के करते, फिर तुम जो है जय पराजय के लिए नहीं, तुम रस धारक के लिए करते। तुम जो है फिर जो है द्वैत में ना आकर के उसी एकता के अनुभव में आते, फिर युद्ध भी तुम्हारा जो है वो केवल उसकी प्राप्ति के लिए होता कि इस युद्ध का एक ही उद्देश्य है कि ये उन जो है आसुरी प्रवृत्तियों को उन दैविक प्रवृत्तियों के बल से हटाने का और कृपा का स्वरूप इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि अंततो गत्वा, चूंकि समर्पण जो है वो केवल दैविक दैविक प्रवृत्ति का ही होना है, समर्पण तो मैं सुख का ही कर पाऊंगा, इसलिए उस सुख को प्राप्त करके जिस सुख को समर्पित किया जाना है अभी वो सुख ही पूर्ण नहीं है क्योंकि उसमें दुख मिश्रित है, इसलिए लक्ष्य ही नहीं है अभी जो है पूर्ण सुख का। तो पूर्ण सुख का जो लक्ष्य होगा उसमें विकार रहित करने के लिए जो है वो युद्ध होगा। तस्मात सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मरि उद्देश्य है, स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध किससे करूं? जो स्मरण में आने वाली बाधाएं हों उससे युद्ध करना है, ताकि स्मरण अखंड हो जाए। दोनों अलग अलग नहीं करने के, मुझे स्मरण कर लिया और जो है युद्ध कर लिया भोग प्राप्ति के लिए, ये नहीं है। तब तक युद्ध करते रहो जब तक जो है अखंड स्मृति के लिए स्थिति ना हो, जब तक उसमें कोई भी बाधा आए तब तक उसी के विरुद्ध युद्ध करना है, और युद्ध तुम कर नहीं पाओगे, सारथी मुझे बना लो, तुम निमित्त मात्र बन के कार्य बाण छोड़ो, तो मैं जो हूं तुम्हारा यह समर्पण जो है तस्मात मां मनुस्मर, मुझे स्मरण करते ही आगे तुम जो है क्रिया के कर्ता का भाव न लेकर के वो भी मुझे समर्पित होना है। जब तुमने मुझे स्मरण किया तो मेरा स्मरण जो है मेरे स्वरूप से अलग नहीं है। संसार में तो नाम और रूप अलग अलग हैं, मेरा नाम और रूप दोनों एक ही हैं, अभेद हैं। इसलिए चूंकि रूप दिखाई नहीं देता, इसलिए नाम को ही तुम जो रूप मान करके करो। तो नाम और रूप जब मैं एक ही हूं और मुझ में ही समर्पण होना है, तो फिर ये जो तुम्हारा युद्ध है मां मनुस्मर युद्ध, चूंकि मुझे स्मरण करने के लिए, अखंड स्मरण करने के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा अपने आप से, केवल इसीलिए युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस संबंध बोध को, जो मेरे साथ संबंध बोध है, उसको जो है अखंड स्वरूप में आत्म स्वरूप को धारण करने के लिए आगे बढ़ना चाहो, तो ये जो देह के साथ जो है जन्म जन्मांतर का जो तुम्हारा आवरण है और जो ये विकार है इसको दूर करने के लिए है। ये नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते, तो सत के माध्यम से, सत से असत पर विजय प्राप्त होनी है। पहले तो यही होना है कि असत असत है, नहीं तो सत को समाप्त कर दोगे, असत को समझोगे ये मेरे लिए उपयोगी है। तो पहले सत और असत का जो विवेक है वो होते ही ये कहा जाएगा इसको विवेक हो गया है। लेकिन विवेक का भी जो है प्रयोग करने के लिए उस ज्ञान की आवश्यकता होगी जो विवेक में सत को तो जो है धारण करे और असत को हटा दे। तो विवेक सत को जो है उसको उसकी वृद्धि हो, उस सत जहां पर सत हो उसको धारण करूं और उसके उसकी उस विवेक का प्रयोग करके उस असत को हटा दे, वो ज्ञान जो है आते ही मेरा स्वरूप बने। तो इसलिए उसका अभाव नहीं है, उस सत में प्रतिष्ठा करने के लिए सत्य है। ये जो गणित का जो बिंदु है, जो अंक है, ये सत्य का प्रतीक है, इसको बदल नहीं सकते हो। अगर सृष्टि के साथ संबंध बनाना है तो इसी के सहारे बनना है, बाकी इसी की अभिव्यक्ति है। तो इसलिए महाराज ने कहा चाहे एक गुरु का कर लो, चाहे गणेश जी का जो है उन्होंने कहा कि वो कृपा का स्वरूप,
चाहे मारुति नंदन जो है, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, और महादेव जी को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो उन्होंने कहा ये गणेश जी भी वही काम कर रहे हैं और गुरु का भी वही काम है, गाय माता भी उसी गुरु रूप में है, गायत्री माता भी उसी गुरु रूप का धारण कर रही है, गंगा जी भी उसी कर रही है, और जो है ये गायत्री भी उसी का कर रही है। तो उन्होंने कहा वो जो ग है छह, वो सबके सब जो दिखाई अलग देते हैं, लेकिन वो सब उसी रस में प्रवेश कराने के लिए है, गुरु भी गणेश भी गंगा भी गायत्री भी और जो है ये गाय माता भी। तो इन्होंने कहा इन सबके अंदर वही तत्व का स्वरूप है गणेश जी महाराज का, जो उन्होंने कहा कि गणेश जी महाराज चूंकि मूलाधार के अधिष्ठाता और महादेव जी के उसमें जो है आत्मज का जो स्वरूप लिए हुए दिव्य, तो वो इस मंगल मूर्ति होने के नाते इसका उद्बोधन इसका जो है वो करा देते हैं, भाव जागृत करा देते हैं कि तुम्हारा मुख्य भाव उस मंगल मूर्ति के साथ करना है जो जिन्होंने मुझे अपना मंगल रूप दे करके और गणेश के रूप में जो है ये बनाया है, कि सबसे पहले जब तुम मेरे को आगे करते हो तो फिर वो मंगल मूर्ति का स्वरूप तुम्हारे साथ रहता है। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही मंगल मूर्ति अपना कार्य करते हैं, चूंकि वो समर्पित है महादेव जी को शिवत्व को, शिव और गणेश जी का ही तो परिकर है, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके नृत्य में उस रस में गणेश जी महाराज अपनी लीला करते हैं तो आपका संबंध है शिवत्व से, और शिव का जो है गंगा जी के साथ में लगा करके और पार्वती जी के साथ लगा करके दक्षिणायन से लगा करके वो सारा का सारा शिवत्व क्या करता है, वो भक्ति के साथ में वो निरंतर जोड़ने का कार्य करता है, भक्ति का प्रादुर्भाव होने के बाद ये आत्मस्वरूप के प्रति होता है, ये स्वरूप जो है मेरे साथ वो अनुसंधान का विषय बनता है, गुरु तत्व जो है अपना कार्य उसको लेकर के है। तो ये जो गणित वाला है वहां उनकी पात्रता है बनी हुई, बरसाना के जो निर्दोष जो स्वरूप है उनको थोड़े से बोध में इस ज्ञान की जो भूमिका लीलाओं के माध्यम से उनको प्राप्त है, इस के माध्यम से औरों के लिए वो एक आदर्श का उपस्थित होने का संभावना है।